नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे घर पर ही क्रीम से, दूध की मलाई से घी बहुत ही आसानी से। पहले हम गैस पे पैन चढ़ा देंगे और ये जो क्रीम है, जो मलाई है, ये मैंने 10 से 15 दिन की इकट्ठा की है दो कटोरियों में भर के, और ये क्रीम को मैं पैन में डाल दे रहा हूँ। और ये जैसे ही पैन में डालूँगा, ये ऑयल या घी छोड़ना स्टार्ट कर देगी। मैं ट्रेडिशनल तरीके से घी नहीं बना रहा हूँ, बहुत सरल तरीके से बना रहा हूँ ताकि कोई भी बना सके, आप भी बना सकते हैं। बस आपको करना क्या होगा, क्रीम को जो मलाई है वो अगर आप नहीं खाते हैं और आपको नहीं है पसंद, तो आप इस तरीके से निकाल के कलेक्ट कर सकते हैं किसी कटोरी में, और उसके बाद आप फ्राई करने के लिए ऐसे फ्राई पैन में डाल के ऐसे पकने के लिए छोड़ सकते हैं और इसको अच्छे से मेल्ट होने दें। और जैसे जैसे मेल्ट हो जाएगा, ये घी इसमें से सेपरेट होता जाएगा, जो क्रीम है उसमें से घी सेपरेट हो जाएगा और जो प्रेसिपिटेट बचेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि ये घी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है इसमें से, और ये जो प्रेसिपिटेट है ये गोल्डन, एकदम ज़्यादा देर नहीं रखना कि ये पूरा जल जाए, हल्के जब पूरा गोल्डन ब्राउन हो जाए जो मिल्क का, जो मलाई का पार्ट है, तब तक ही हमें इसको करना है। ये लगभग हो गया है और देखिए कितना अच्छे तरीके से हो गया है। ये देखिए घी आप देख पा रहे होंगे जो कि सेपरेट हो चुका है इसमें से, और अब हम इसको घी को हम थोड़ी देर और पकाएंगे ताकि वो जो क्रीम है हमारी, ये क्रीम गोल्डन ब्राउन हो जाए। उसके बाद हम स्टेनर से उसे एक बाउल में निकाल लेंगे, स्टील के बाउल में। निकालने के बाद इसे अच्छे से किसी बोतल में, ग्लास की बोतल में रख लेंगे। और ये जो क्रीम है जो बचा हुआ है, इसमें आप शुगर पाउडर मिला के खा भी सकते हैं अगर आपको टेस्टी लगती है काफ़ी। तो ये जो मैं बोतल ले रहा हूँ, ये किसान जैन की बोतल है और इसमें मैंने स्टोर कर लिया है, और ये हमारा घी हो गया है रेडी बहुत आसानी से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।